अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे, स्टॉक थ्योरम। इससे प्रीवियस क्लास में हमने काजेज डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन थ्योरम, लाइन इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था। अब हम आज करेंगे स्टॉक थ्योरम। स्टॉक थ्योरम का यूज़ जो है वो हमारे पास लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में, और सरफेस इंटीग्रल को हम जब लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह की जो स्टेटमेंट हमें मिलेगी वो कहलाएगी स्टॉक थ्योरम। अब स्टॉक थ्योरम को समझने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि स्टॉक थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। स्टॉक थ्योरम की स्टेटमेंट है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए टेकिंग राउंड ए सिंपल क्लोज कर्व। वो कह रहा है कि यहाँ पर हमने एक सिंपल क्लोज कर्व ले लेनी है, जो मैंने इस फॉर्म में ली हुई है। ये हमारे पास इसका ये एक सरफेस है, इस सरफेस का रीजन है, और ये हमारे पास एक सरफेस है, और ये जो है उसकी एक क्लोज बाउंडेड क्लोज कर्व है। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। तो ये किसके इक्वल होगी? सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्व ए, जो भी यहाँ पर एक कर्व ए बनेगी उसके नॉर्मल कंपोनेंट, जिसको हमने पिछले प्रीवियस थ्योरम के अंदर एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर से रिनोट किया था। और एन स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गैमा के की फॉर्म में इंटरवल होंगे। तो राउंड ए सिंपल क्लोज कर्व सी इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्व ए टेकिंग ओवर द सरफेस एस, जो हम यहां पर ले सकते हैं सरफेस एस के अराउंड। मैथमेटिकली जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी आर होगा वो सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डॉट एन डॉट डी एस के इक्वल होगा। तो कंपोनेंट ऑफ स्टॉक थ्योरम जो है उसमें जो ए के कंपोनेंट होंगे वो हम इस तरह ले लेंगे, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और जो एन कंपोनेंट होंगे वो हमारे पास कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस आपके पास कॉस गैमा के, जिस तरह हमारे पास किसी वेक्टर की डायरेक्शंस की बात की है तो वो उसकी डायरेक्शन के कंपोनेंट ये होंगे। अब हमारे पास जो डाइवर्जेंस क्रॉस ए है यहाँ पर ये कर्ल है, यानी इसको हम कर्ल में जब कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त, यानी कि स्टॉक थ्योरम को हम जब कर्ल इंटीग्रेशन में लेके जाएंगे तो उससे पहले हम डाइवर्जेंस क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो कंपोनेंट आई जे के यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है इसका स्टूडेंट फार्मूला आप लोगों ने पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के की फॉर्म में बढ़ा हुआ है। तो मैंने इसको मॉड के अंदर डिटर्मिनेंट में इस तरह लिया है, और जो ए वन ए टू ए थ्री है ये ए के कंपोनेंट है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये जो पार्शियल डाइवर्जेंस क्रॉस ए डॉट एन है, एन जो वेक्टर है उसकी वैल्यू को, और जो यहाँ से वैल्यू है उसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। उसकी मदद से हमारे लिए ये जो स्टॉक थ्योरम है वो समझना आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ से हम आई बाहर लेते हैं, ये हमें स्टेटमेंट गिवन भी हो सकती है पेपर में, अगर नहीं है तो हमें खुद से ये स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल, यहाँ पर हमारे पास पार्शियल एक्स आएगा, यहाँ पर वाई, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास जी। तो जब हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल वाई पार्शियल जी ए टू और ए थ्री, सेकेंड माइनस का साइन जे लें, ये कॉलम ये रो छोड़ दें, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल जी ए वन ए थ्री,
और थर्ड पे जब हम के पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ए वन और ए टू आ जाएगा। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डाइवर्जेंस क्रॉस ए को, तो यहाँ से हमारे पास ए थ्री पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ए थ्री माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जी ए टू आ जाएगा, और यहाँ से जे जब लेंगे तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ए थ्री माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जी ए आपके पास क्या आ जाएगा वन। यहाँ पर अगर हम लें तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ए टू माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ए वन, और अगर इनको हम एन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस क्रॉस ए डॉट जब एन आ जाएगा तो जो एन की हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट, जो एन की वैल्यू है हमारे पास वो कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे एंड कॉस गीमा के है, तो आई इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ए थ्री पार्शियल ओवर पार्शियल जी ए टू माइनस जे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ए थ्री पार्शियल ओवर पार्शियल जी ए वन प्लस के इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ए टू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ए वन। अब इसके साथ क्या कर देंगे एन, एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है हमारे पास कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस आपके पास कॉस गैमा यहाँ पर क्या है के, ये डॉट प्रोडक्ट है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन हो जाएंगे। बाकी जो यहाँ से हमारे पास फंक्शन बचेगा तो कॉस अल्फा इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ए थ्री पार्शियल ओवर पार्शियल जी ए टू, और यहाँ पर कॉस क्या आ जाएगा हमारे पास बीटा और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ए थ्री पार्शियल ओवर पार्शियल जी ए वन प्लस कॉस आपके पास क्या आ जाएगा गैमा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ए टू माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ए वन। तो ये थी हमारे पास स्टॉक थ्योरम की स्टेटमेंट और इसके कंपोनेंट को हमने किस तरह लिखा है। आइए स्टूडेंट इसके बाद हम इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं और अब हम करते हैं स्टॉक थ्योरम को, उसका प्रूफ करेंगे। अब हम स्टॉक थ्योरम का स्टेटमेंट हमने लिख लिया इसकी, विच इज कॉल्ड, जो इक्वेशन वन आई है इसको मैंने लिख दिया विच इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ स्टॉक थ्योरम। इसके बाद हम प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट के बाद स्टॉक थ्योरम का। इसके बाद हम प्रूफ करते हैं स्टॉक थ्योरम की स्टेटमेंट के बाद प्रूफ है, यहाँ पर मैंने लेट की है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस के ऊपर एक सरफेस अपवर्ड एक डाउनवर्ड सरफेस ली है। इस सरफेस एस में जो ये जो है हमारे पास एक वॉल्यूम है जिसका प्रोजेक्शन जो है इस तरह इस रीजन पे है, तो यहाँ पर मैंने यही लेट किया कि लेट एस बी द सिंपल सरफेस सच दैट द प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स प्लेन आर बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज कर्व। आज अज्यूम दैट यहाँ पर मैंने तीन किस्म के फंक्शन अज्यूम किया है कि जी जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, जो y है वो g ऑफ z x के इक्वल है, जो x है वो h ऑफ y z आर द राइट हैंडेड वैल्यूज। इसको राइट हैंडेड वैल्यूज इसलिए लिया हुआ है स्टूडेंट, आपने सेक्रूज देखा होगा कि जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसकी ओपन होने से जो उसका सेक्रू है वो इस तरह बाहर की तरफ जो है वो ओपन होता है, और जब ये बाहर की तरफ ओपन होगा तो उस वक़्त यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव जो है राइट हैंडेड वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो जो इसकी स्टेटमेंट में हमने डाइवर्जेंस क्रॉस ए ए कंपोनेंट लिया था तो उसको मैंने कुछ इस फॉर्म में लिखा था आई जे के कि भाई यहाँ पर स्टूडेंट आई जे के लिए कंपोनेंट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी ए वन जीरो जीरो, जब हम एक्सेस पे हैं तो वाई और जी जीरो होगा। तो यहाँ पर जब मैंने इसको डिटर्मिनेंट को ओपन किया तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह आया। अब इसको मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया और एन
जो सरफेस है वो डी एस है, जो कि एक्स वाई वाई जी की जो सरफेस है वो डी एस है। अब जो एन है इसको मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी, तो ये एन जे के आ जाए, एन जे आ जाएगा यहाँ पर माइनस में एन के और डी एस आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर वन, सिंस द पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट, यहाँ पर मैंने कोई एनी पॉइंट लिया है पोजिशन वैक्टर के, जो कि मैंने आर की फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के को रखा है, और हम इस पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो जी जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल है, तो ये एक्स का डेरिवेटिव जीरो, वाई का वन, जब हम जी का एक्स वाई के लिहाज से लेंगे तो ये पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई के आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू जो है ये हमारे पास क्या है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इज द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू एन। तो ये एन के जब परपेंडिकुलर होंगी तो इस इक्वेशन का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। हमने परपेंडिकुलर ले लिया कि पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू जे प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई के, इसके साथ एन को मल्टीप्लाई कर लिया, ये परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। एन को जे के साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया, तो एन डॉट जे इसको इस साइड पे ले आए और इस वैल्यू को जाके मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन में पुट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट में से एन माइनस के माइनस एन माइनस के कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास ये इसको हमने इक्वेशन नंबर थ्री कर दिया। अब अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से इसको, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा वो इस कंडीशन में जाके पुट करेंगे, फिर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। अगेन हमने इसको डिफरेंशिएट किया है पार्शियल ए वन ओवर एक्स, जो कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, पार्शियल एक्स ओवर एक्स, इसी तरह प्लस पार्शियल ए वन ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई, यहाँ से ये और ये फंक्शन क्रॉस हो जाएंगे, बाकी जो ये रिजल्ट बचा है इसको मैंने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई के इक्वल रख लिया। आप ये भी देखिए पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई है, जब इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे तो यहाँ से एन डॉट के इंटू पार्शियल एफ ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, पार्शियल वाई। ठीक है स्टूडेंट, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से डी एस, इसको मैंने पुट किस में किया है, इक्वेशन नंबर थ्री में जाके इसको पुट कर दिया। अप्लाई, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सरफेस इंटीग्रल को, इसमें किसको अप्लाई करेंगे, सरफेस इंटीग्रल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जब हम सरफेस इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ से हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा उसको फिर हम ग्रीन थ्योरम में चेंज करके सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमने अप्लाई किया अप्लाइंग सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल में लेके चले गए तो एन डॉट के पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, जब हमने इस फंक्शन की वैल्यू पुट की, इसके बाद एन डॉट के पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी एस, हमें पता है कि डी एक्स ओवर डी वाई अपॉन एन डॉट के की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, तो ये हमने डी एक्स एस की जगह क्या लिख दिया, डी एक्स डी वाई एन डॉट के, एन डॉट के एन डॉट के से कट जाएगा, बाकी जो हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फोर। अब इक्वेशन नंबर फोर को आगे हम सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ से हम इसके बाद स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फोर जो थी उसके मुताबिक मैंने इसको क्लोज सरफेस एरिया में कन्वर्ट किया फंक्शन में, और ये फंक्शन किसके बराबर है, ए वन के बराबर है। अब डाइवर्जेंस क्रॉस ए वन एंड डी एस को मैंने ए वन डी एक्स ले लिया। सिमिलरली इसी तरह जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए टू वाई, और सिमिलरली अगर हम ए थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ए थ्री डी जी आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर फोर फाइव सिक्स और सेवन आ गई है, इन तीनों को हम क्या कर देंगे ऐड, ऐड करने से हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा स्टॉक थ्योरम। एडिंग इक्वेशन फोर फाइव सिक्स सेवन, तो हम जब इनको ऐड कर दिया तो ये ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई एंड ए थ्री डी सी, और हमें पता है कि ए वन ए टू ए थ्री जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, ए कंपोनेंट की इक्वल है, और जो हमारे पास एन डी एस है उसको हमने किसके नाम दे दिया, एन डी एस को कंट्रोल यानी कि क्लोज सरफेस जो कर्व है वो ए डॉट किसकी इक्वल आ जाएगी, डी आर के, यही हमने प्रूफ करना था, और यही हमारे पास क्या है थ्योरम है जिसको हम लिख देंगे विच इज स्टॉक थ्योरम।
थैंक यू।